तो फेसबुक पर लिख दे छथिन हमर मोबाइल हेरा गेलै, फिर नेपाली में लेके जाबू मेरा मोबाइल हरायो, कृपया अपना अपना नंबर दिए सहयोग करनु हला। हम आई भोरे भोरे लिख देलिए मेरो साली हरायो, कृपया अपना अपना दिए सहयोग कर दिए। अब देखे से रिप्लाई किए भाई अखन तक क्यों नहीं कहले तो हम यहाँ नाम फिर जना तेना मिथिला नाट्य कला परिषद के नाम कहने पड़ते बड़ प्रशंसा हो मिथिला नाट्य कला परिषद के प्रशंसा के पात्र सहित हाले फिलहाल में सुनील मल्लिक सर दिल्ली गए कार्यक्रम ला कर मंच पर किस कहते एक सरदार जी बहुत खुशी भगे कल अरे वाह सुनील मल्लिक जी आपने कमाल कर दिया, अरे गजब की तुझे यार मेरी बीवी भी कहती है बहुत अच्छा किया। उनका भी शायद इरिटेट करे कहते अरे सरदार जी मैंने तो किया ही नहीं, यहाँ तो समय का पाबंद था, कभी घर बुलाइए देखिए कितना अच्छा करता हूँ। मिथिला नाट्य कला परिषद के बिहार से निमंत्रण आल है, मिथिला नाट्य कला परिषद के बिहार से निमंत्रण आल है होलिये के समय में जो तीन टा महान कलाकार सब आओ आठम जैसे से हमारा किस कला के देखाओ। और तीन टा कलाकार के सब दिन से कहे जाए लेकिन धैर्यता से सुना देते हाँ बिहार का लॉन्सर रहे हाँ तो देखिए हमारे जो सीता मैया का नगरी है जनकपुर धाम वहाँ से आया है बरगाही भाई सबसे पहले नरेश ठाकुर जी, उनको हम कहते हैं कि मंच पर आने के लिए कुछ करके दिखलाने के लिए। तो अब एगो बात तो कहा दिन मुंह से गंदा निकालते हैं, गंदा नहीं निकालने के लिए वो गल दिन कहा यो सबसे पहले बात हम मुँह से गंदा कहियो नहीं निकाली थी, हम तो पछोत से निकाली थी। अगर बात करते हैं छोड़िए क्या दिखलाना है क्या करना है सो जल्दी जल्दी कीजिए। तो अग्रज नरेश ठाकुर जी कहा उनका तो पुरान स्टाइल जाके कहा अभिनंदन 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 आ उद्घोषक के साइड वाला लगा भी हम चंदन। उद्घोषक पिता के लिए बिहार के कहे पहले ही बोले हम उसे गंदा नहीं निकालने के लिए, फिर कहता है सायर वाला चंदन हमारे सायर चंदन का फैक्ट्री है। तो फिर कहल कि नरेश सर जब देखिए आ उजरका वाला हमारे चंदन आ सायर के पियर वाला केसरी, उजरका वाला हमारे चंदन अहाँ के सायर वाला पियर केसरी आ दोनों के मिला के हम भैर मथा लेसरी। आंसर करके जा पार गए हम कह रहे थे इसको मत चढ़ाइए मंच पे, सब थैया थैया कर दिया हमारे शायर का कुमार वाला केसरी चंदन लगाता है उतारो इसको मंच से उतार दे कर कगना बार है हमारे जनकपुर धाम के और दूसरा महान कलाकार हैं और उनका नाम है दिनमणि जी वेलखिन कहलखिन हाँ देखिए हम ऐसे लोग नहीं हम मैथिलिये में बाजब हम उनमें से नहीं छी आ नहीं हम लगाब चंदन आ नहीं हम लगाब केसरी समय कम छै नहीं हम लगाब चंदन नहीं हम लगाब केसरी आ मौका देब तो हम उद्घोषक के सारि के लग ससरी। पिता के लिए उद्घोषक लगा तोरी अयो हो बुढ़वा वैसने है इसको भी उतारिए। आ तो दर्शक वृंद हम मिथिला के महान कलाकार सुपर स्टार एक नंबर के धुतफुल्ला सुनील मल्लिक जी को बुला रहे हैं, वो आके कुछ करके दिखाएंगे। मल्लिक जी चढ़ाकर उद्घोषक भैया जरा इधर आइए कहलक हाँ कहिए क्या बात है आ, कैसे हम बात आप बोल दिए माइक में स्टेज पर करके दिखाइए हमको लाज लगता है। उद्घोषक कहलक अरे भैया आप कहा सठिया गए हैं, मिथिला के आदमी हैं, जनकपुर के हैं, जनकपुर धाम के हैं, जनकपुर के बारे में कुछ कह के दिखाइए आप गल, आप तो गायक हैं लेखक हैं आप म्यूजिककार हैं संगीतकार हैं सो न कहे हैं। कहलक ऐसे बात छे हम पहले कहता नहीं हमारा अत्य लोग के बीच में कह के दिखाइए कोनो बात भले। तक श्रद्धा मल्लिक सर आप जनकपुर के बारे में हम क्या कह दिल्कि उद्घोषक से जनकपुर के बारे में कह के आप देखियो तो जनकपुर के बारे में वो की कहलखिन गीत के तर्ज पर आग्रह जो अपने सब ध्यान से सुनिए कहीं संग दी सुनिए मल्लिक जी बिहार में जाकर गेलखिन हो जहिया स्थानीय सरकार के भेल सवारी रे हमारे धाम हमारे धाम जनक सबके घर रंगाए रंगे
बहुत बहुत धन्यवाद भाई संतोष।